मैम प्रियंका मैम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन भी लगवाया है, कन्या की शादी भी करवाते हैं। प्रियंका मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या कहो बेटा? सर क्या कहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं इनसे मतलब लोगों की दुआ है कि अच्छा काम। और इधर मतलब हाँ बहुत देते मैडम के लिए तो अच्छा काम कर रही है मैडम, तो हम बचपन से जानते हैं मैडम को, बहुत अच्छा ही काम कर रही है और अच्छा ही करती जाएंगी, ठीक है, और हम उनके साथ ही रहेंगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम संतोष पांडे है। जी बिल्कुल सही काम हो रहा है सर, पूरे जनता के सेवा में लगी रहती है मैडम, और काफी सालों से चल रहा है ये चीज नहीं, और हमेशा चलता ही रहेगा इनकी तरफ से। भगवान इनको मतलब शक्ति दे जी, ताकि और भी लोगों का सेवा में लगी रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का, करेंगे जनता जनार्दन के एक्सक्लूसिव कवरेज में। और आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ आपको परिचय कराने वाले हैं जो कि संगम विहार क्षेत्र में इन दिनों नहीं, जिस टाइम पे आपको ये कह सकता हूँ कि नगर निगम चुनाव जिस समय था उससे ठीक पहले प्रियंका सोसाइटी, ऊपर थोड़ा सा कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा दिखाया जाए। प्रियंका सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी तो है मगर इसको चलाने वाले व्यक्तित्व तो जो है वो प्रियंका मैम है, जिनसे हम बात करेंगे। और लगातार देख सकते हैं संगम विहार जैसे पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र में रह करके जिस तरीके से चैरिटेबल काम कर रहे हैं। मैम आपको अच्छा लग रहा है जो मैम आप ये कर रहे हैं? प्रियंका हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ये तो कल भी किया था, ये कल परसों भी किया था, क्या कहेंगे? जो भी कर रही है सबके लिए अच्छा ही कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ चढ़ करके मैं दिखाऊंगा, जितने भी लोग हैं अभी गर्मी का टाइम भी आ रहा है तो ठंडाई हो चाहे ये बिस्किट हो चाहे नमकीन हो, हमेशा कहीं ना कहीं समाज कल्याण के लिए। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन नहीं है अगर कोई व्यक्ति आके समाज सेवा करता है तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं समाज के लिए वो दिल से करना चाहती है। जो आप आगे बढ़ करके एक बार दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे जिनको आप देख सकते हैं कि प्रियंका जी यहाँ पर बिस्कुट दे रहे हैं और नमकीन दे रहे हैं, यहाँ पर ठंडाई शरबत लगा हुआ है, तो आए दिन करते रहते हैं और इनसे बात करेंगे क्या कुछ समझते हैं किस प्रकार से। मैम आप करते रहे और बोलते रहे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी जी धन्यवाद। यहाँ अभी हम लोग का जनवरी से लेकर के मुझे लगता है ये 8वां 10वां प्रोग्राम है हमारा। जी, जी, जी। और हर चीज में हम लोग तमाम चुनाव भी नहीं है, क्यों करते हैं अभी तो? जी हम लोग 2014 से ये काम करते आ रहे हैं, तो इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अपने लोगों से, अपने लोगों के प्रति जितना भी आप कर सके करें। और मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर सिविल सोसाइटी हम जैसे लोग अगर इन सब चीजों में चैरिटेबल खाना ये सब चीजें दें तो हमारे देश का कोई भी परिवार, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल के, हर कोई अपने अपने में बिजी है, लेकिन सिविल सोसाइटी, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर बाकी लग के काम करें समाज के लिए तो कोई भूखा नहीं सोएगा। सरकार को गाली देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अच्छा मैं और एक सबसे बड़ा सवाल लेकर के मैं हमसे पूछता हूँ, क्योंकि संगम विहार देवली बांध रोड में हम अभी काम कर रहे हैं, यानी कि पत्रकारिता कर रहे हैं, विषय जो है प्रियंका सोसाइटी, और प्रियंका सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर जन कल्याण का काम तो किया जा रहा है। संगम विहार जैसे क्षेत्र में कोई भी नेता आता है, कोई भी संगठन आता है तो उसको कितना चैलेंज महसूस होता है, और क्या कुछ मैम आपने इस क्षेत्र में इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन लड़ते के साथ ही आप डोर टू डोर कैंपेन में गए हैं, पदयात्रा किए हैं, तो संगम विहार को आपने कुछ समझा है क्या कमी है क्या बेसी? देखिए यहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी की रहती है, हमेशा पानी की रहती है। दूसरा महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं है, उनके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो हम मेरा प्रियंका सोसाइटी है, तो यहाँ पे हम लोग 500 प्लस बच्चे अभी यहाँ पे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, और मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे स्कूल से बैग ड्रॉप नहीं करें, कि वो उनको कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। रीजन ये है कि देखिए अगर इन्हीं बच्चों को शिक्षा इनको नहीं मिली और छोड़ देते हैं तो आज जो मुझे लग रहा है 10-10 हजार में जो लोगों की जिंदगी करते हैं बच्चे, वो कौन होते हैं? बेरोजगार होते हैं, समाज से कहीं ना कहीं वो टूटे हुए होते हैं। तो अगर इनको शिक्षा मिलता आगे बढ़ते तो यही देश का निर्माण करेंगे, लेकिन अगर इनको शिक्षा नहीं मिलता और कुंठित रहते हैं तो यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएंगे समाज और देश के लिए। तो मेरा पूरा प्रयास है कि इन लोग को बहुत अच्छा एजुकेशन और ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और हम लोग यहाँ पे रह रहे करके मतलब बच्चों का प्रोत्साहन के लिए कुछ कंपटीशन, आर्ट का कंपटीशन, डांस का कंपटीशन या कुछ कंपटीशन ऐसे रखते रहते हैं कि जिससे बच्चों को
बच्चों को प्रोत्साहित मिले और उनको कंपटीशन का मिले तो उनको लगे कि हाँ हमारे लिए देखा जा रहा है, हमको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जब वो आर्ट का कुछ लेके घर में जाते हैं, अपना 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 समझ लीजिए कोई अपना लेके जाते हैं शील्ड कि हमें ये मिला, तो बड़ी खुशी होती है, तो पुरस्कार लेके जाते हैं, तो फिर वो बड़े उनके ऑफिस का एक बार चक्कर लगा के आऊँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कार्यालय के अंदर लेकर के जाता हूँ। प्रियंका सोसाइटी जो है वो बांध रोड देवली विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर अंदर आके मैं दिखाना चाहूंगा तो ये सोसाइटी को मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो कि कैमरामैन इसके ऊपर फोकस करे। प्रियंका सोसाइटी के माध्यम से जितना काम किया गया है आप ये देख सकते हैं, कई सारे तस्वीर जो है वो बयान करती है। कहीं ना कहीं प्रियंका जी जो है अनेकों कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, अनेकों सामाजिक काम में सम्मिलित हुए हैं, और जिस प्रकार से इनको पुरस्कार भी देते हुए आप देख पा रहे हैं, अनेकों जगह में पुरस्कार दिए हुए, बड़े बड़े राजनीतिक नेता बड़े बड़े लोगों के साथ ये बैठे हैं, कहीं ना कहीं नहीं पूर्ण रूप से समाज कल्याण को मद्देनजर रखते हुए ये देख सकते हैं यहाँ पर सोसाइटी और इनके आस्थान लगातार इनके लोग जो है यहाँ पर कार्यक्रम जो जिस भी प्रकार से होता है, चाहे जो भी सामाजिक दृष्टिकोण से ये सेवाभाव से करते हैं वो आपके सामने है। और आए दिन ये टीवी में भी आते रहते हैं, डिबेट में भी आते रहते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में अगर अन्याय हो रहा तो उसके अवज में आवाज उठानी हो, चाहे यहाँ पर सर्दी काल में जैसे आम जनता को परेशानी होती है, गरीब जनता को परेशानी होती है, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं ये कार्यालय है, और ठीक कार्यालय के सामने आए दिन ये लगातार चैरिटेबल काम जो है ये करते रहते हैं। और इसी कड़ी में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी इन्होंने कार्यक्रम किया था और साथ साथ आज भी कर रहे हैं। तो जी, तो यहाँ पर मैम से बात फाइनली कर लेते हैं। मैम आप क्या कुछ संदेश देंगे इसके इस क्षेत्र के लोगों को, और किस प्रकार से जो गरीब जनता है आप अगर कुछ हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से मजबूती आप प्रस्तावित करेंगे यहाँ पर जो है संगम विहार? जी देखिए, अभी मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बलबूते पे, अपने पैसे से, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी चीजें अपने उससे कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ में बाकी कुछ चीजें आ जाती है। देखिए, जब मैंने यहाँ कैंपेन किया था पॉलिटिकल कैंपेन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी लोग विरुद्ध थे, लेकिन चीजें क्या हुई कि लोगों के वोट बहुत ज्यादा कटे। तो अपने वोट के अधिकार के प्रति आप रहें कि उसमें उसमें बहुत ज्यादा आपकी आपका मतदान सूची में नाम है, आपका वोटर वोटर कार्ड बन रहा है, एक तो ये। दूसरा, आप वोट डालने जाते हैं उस चीज के प्रति सजग रहें। दूसरा, आप ये देखें कि वो जो मीडिया में जो आजकल के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उन लोगों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि वो झूठ दिखाते हैं। झूठ इन द सेंस कि जो चीजें आप देखो कि यहाँ बोला गया था 2 करोड़ नौकरी, ये सारी चीजें जो भी चीजें नौकरी के लिए बोला गया था, फिर आप प्लेन पॉलिटिकल कमिटमेंट जी, और ये सारी चीजें बोली गई थी। बाद में उन नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि ये जुमला था। तो आप सोचिए, जब ये जुमलेबाजी ये लोग करते हैं, और एक हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि हमको वो लोग नहीं मिल रहे हैं जो शिक्षक भर्ती जो हुआ था 29,000 में, हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। और वही हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा युवाओं का नेतृत्व करते हैं, 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो ये अपना वो फेल्योर बताते हैं कि हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे। आप पढ़ा तो वही रहे हो। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो, कुछ ना कुछ आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल कि आप वो देखो कि आपके बीच का इंसान कितना 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 मजबूत है, और कितना आप लोगों के लिए लड़ सकता है, कितना आप लोगों के लिए कर सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है उन लोग के प्रभाव में आना चाहिए। प्रोपेगेंडा तो इस तरीके से मैम सीधे तौर पर राजनीतिक जिस प्रकार से प्रतिश्रुति दी जाती है समाज कल्याण के लिए, जिस प्रकार से आगे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे भीड़ हो रही है तो आप ये देख सकते हैं प्रियंका सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर लगातार जो है सामाजिक काम हो, चाहे यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या लेके गए, अच्छा लगा? क्या लेके जा रहे हो? ये बिस्किट। कौन दे रहे हैं? नाम दे रहे हैं। नाम के लिए क्या बोलना चाहोगे? अच्छा। अच्छा बोलना चाहोगे? बेटा क्या बोलोगे? अच्छा। अच्छा बोलो, क्या बोलोगे? थैंक यू बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे थैंक यू बोले। बेटा तेरे को कैसा लगा मैम जो काम? बढ़िया लगा। अच्छा लगा? एकदम बढ़िया। बढ़िया, तो बच्चे यहाँ पर खुश होकर जा रहे हैं। ट्यूशन भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं।
ये पढ़ाते हैं? अच्छा हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हो आप लोग सारे मिलके? 400-500 हो? मैं नहीं पढ़ता था। अच्छा तू बड़ा हो गया अभी, बच्चे कितने हैं लगभग? वही होगा, हाँ कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बच्चे जो अभी मैम कह रहे थे कि पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, और ऐसे व्यक्तित्व जब प्रियंका सोसाइटी, प्रियंका पासवान जैसे लोग आते हैं समाज में और समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं पूर्ण रूप से समाज का उद्धार होना तय है। तो आने वाले दिनों में हम भी देखेंगे कि प्रियंका सोसाइटी के माध्यम से प्रियंका पासवान संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़िया काम करते हैं और आप लोगों के लिए किस प्रकार से खड़ी होती है समस्याओं के बीच, वो देखने वाला विषय है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।